जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो रेलवे है अब कुछ दिनों बाद जो है आपका फिजिकल चालू होने वाला है, तो यहाँ पर आपको फिजिकल की कुछ जानकारी दी जाएगी। तो किस तरह से होगी वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दौड़ाया जाएगा, जो रनिंग होगी आपकी वो होगी 1000 मीटर, जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और दूसरा 35 किलो का जो आपका वेट है वो उठाकर आपको चलना होगा कंधों पे, वो आपको 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट में। दोस्तों जो नए कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार जो है किसी भर्ती का जो है फिजिकल देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके ग्राउंड होंगे, 1000 मीटर का जो ग्राउंड होता है उसके किसी ग्राउंड में 5 चक्कर होते हैं, 200 मीटर, तो किसी में 4 चक्कर होते हैं जो कि 250 मीटर में डिवाइड रहते हैं। तो जो सबसे पहले आपको जो है एडमिट कार्ड वगैरह चेक करके आपकी आईडी वगैरह स्कैन कर ली जाएगी, और उसके बाद जो है आपकी आईडी के साथ जो है आपके दोनों पाँव में चिप बंधवा दी जाएगी, जो कि आपकी टाइम रीडिंग चिप होती है दोस्तों, RFID टाइप की चिप होती है, उसे आपके दोनों पाँव में बनवा देते, ताकि इससे ये होगा कि अगर चलते चलते आपकी जो चिप है वो एक गिर गई तो दूसरी जो आपकी रीडिंग है वो आ जाएगी। इसमें ये नहीं होता है कि आपको पहले दौड़ना या कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इस पॉइंट पर इन्होंने अभी बोरा उठाया ये 35 kg वाला और दौड़ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो जब जब बोरा उठा रहे हैं अपनी आराम से दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पाँव में चिप है। जब भी आप उस जो मैट बिछा होता है उस पर अपना पाँव जो है वो रखोगे, आपका जो टाइम है वहीं से स्टार्ट होगा। इसमें ये नहीं है कि ये पहले भाग गया तो मैं रह जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं दोस्तों, आपका टाइम वहीं से स्टार्ट होगा। तो आप इजीली जो है वो अपने कंधे पे जो है वजन बिना गिराए जो है 2 मिनट में आराम से जो है 100 मीटर चल सकते हैं। फिर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों, प्रैक्टिस डेली करते रहिए, धीरे धीरे जो है आपका ये जो है ये भी कम्प्लीट हो जाता है। ये हर्डल इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको जो है बस धीरे से मतलब दबे पाँव चलना, इतना ज़्यादा जो है आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाता है। बस आपका जो है वेट उठाने की क्षमता जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो अभी बहुत टाइम है, अभी 2-3 महीने फिजिकल के लिए, तो आप अभी से अगर आपका एग्ज़ाम सही हो गया तो अभी से तैयारियां कर दें, ताकि लास्ट टाइम में जो है आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए कितने आराम से जो है ये कैंडिडेट्स जो है वो ये इलाहाबाद ग्राउंड का दोस्तों तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट कर दिया इन्होंने। इसके बाद जो है रनिंग का होता है, देखो रनिंग के लिए एक ग्रुप में जो है 50-50, 60-60 कैंडिडेट को दौड़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो पहले निकल गया तो वो पहले, जब आप जिस पॉइंट से जब स्टार्ट करोगे आप वहीं से आपका जो है वो टाइमिंग जो है वो वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, और आपको जो है वो वहीं से आपकी टाइम रीडिंग स्टार्ट होगी। इसमें ये नहीं है कि मैं पहली लाइन में रहूँगा तो मैं पहले ग्राउंड क्लियर कर दूँगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपकी टाइम रीडिंग जो है वो आपके पाँव में जो चिप डली होगी दोस्तों वही जो है आपका एक्चुअल टाइम रीडिंग देगी। इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती है कि फर्स्ट में आ गए तो हम फर्स्ट में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपकी जो टाइमिंग वाली चिप है उसी से आपका जो है वो टाइम रीड होगा, आराम से जो है वो 4 मिनट 15 सेकंड में आराम से हो जाता है ग्राउंड जो है आपका, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। तो आप आराम से अभी से जो है अभ्यास कर दे दौड़ने का, ताकि जो है वो आपको बहुत ही मतलब एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा किस तरह से ग्राउंड होता है और क्या प्रोसीजर होता है दौड़ने का और किस तरह से आपको तैयारियां करनी है। तो वो ईज़िली जो है वो आप तैयारियां कर सकते हैं, और अभी से तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तभी जाकर जो है आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जैसे स्टेमिना बढ़ेगा आपका तो आप ईज़िली जो है वो 1000 मिनट बिल्कुल बिना हाफे जो है वो दौड़ सकते दोस्तों। तो बेस्ट विशेस सभी को दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है तैयारियां कर लें अच्छे से, और जो है ग्रुप डी का जो फिजिकल है वो आप आसानी से पार कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो फेल हो जाते हैं क्योंकि ओवरवेट हो गए होते हैं।